रोजगार मेलों को छोड़िए, आप रोजगार दे ही नहीं सकते। बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है कानून में और 50 करोड़ रुपए आज भी बकाया पड़े हैं, मुख्यमंत्री जी वो क्यों नहीं जारी कर रहे हो? आप किसान के हित की बात कर रहे हो, किसान सम्मान निधि आप 12,000 की बात कर रहे हैं, 6,000 केंद्र की सरकार और 6,000 रुपये आपको, 2,000 आपको देना था, आप 1 रुपया नहीं दे रहे हो, 6,000 आपको देना था, 2,000 की बात कर रहे हो लेकिन दे 1 रुपया भी नहीं रहे हो, या आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हो। गेहूँ के ऊपर आपको 300 रुपये बोनस देना था, आप 150 रुपये दे करके इतिश्री कर रहे हो। आप ही की घोषणा है, हमारी घोषणा नहीं है। विवेकानंद स्कूलों की जिनकी आप कह रहे हो कि हम प्री प्राइमरी चालू कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसा जिस समय वसुंधरा जी की सरकार थी तब ये केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे, हमारे समय में 5 साल में हमने पूरे के पूरे स्कूलों में सब में प्री प्राइमरी का और ये भवन निर्माण सिविल वर्क और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराए। अब इनको खोलना ही है, ये मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, इनके समय में 10 पैसा भी अगर बजट से इसमें लगा हो तो मुझे बता दीजिए। इनकी तो गलती की वजह का खामियाजा आप बच्चे भुगतेंगे वहाँ पर, क्योंकि इनको इंटरव्यू करा करके उन रिक्त पदों के ऊपर भर्ती करनी थी जो इन्होंने नहीं की। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जो भर्ती करनी थी टीचर्स की वो इन्होंने नहीं की, उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया और एक तरीके से अघोषित रूप से ये कर दिया कि ये तो बंद हो जानी चाहिए। तो इनकी कोई मेहरबानी नहीं है। राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप योजना है उसको मई के पहले पहले पूरा करना होता है, वरना तो जो विदेश में जाने वाला बच्चा है उसको वहाँ पर जो सिलेक्शन हो गया वो 1 महीने का ग्रेस पीरियड देती है यूनिवर्सिटी। अगर वो 1 महीने में वो फीस नहीं देता है तो उसका या तो निरस्त हो जाता है या उसके घर से भरना पड़ता है। या अभी तक भी उस योजना का नाम बदला लेकिन वो पैसा जारी नहीं किया और उसका जून लास्ट डेट कर दी। तो जिन बच्चों का मार्च अप्रैल में सिलेक्शन हो गया उनको 1 महीने का जो फीस जमा कराने का या यूनिवर्सिटी चुनने का जो उनको अधिकार दिया था वो तो सब चीज़ें खत्म हो गई। या तो उन्होंने अपना घर से पैसा जमा करा दिया और या फिर वो निरस्त हो गया उनका जिसके पास पैसा नहीं था। तो इस योजना को भी इन्होंने मारने का काम कर दिया। इसलिए न वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, न किसान के लिए काम कर रहे हैं। और जिन नौजवान जो डॉक्टर बनना चाहते थे उनके लिए इनके मन में बिल्कुल भी दया भावना है ही नहीं, कोई भावना मानवता की कोई है ही नहीं। ये तो राज लेने के लिए चिल्ला चिल्ला के रीट में ये हो गया, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, रोजाना सड़क के ऊपर डिस्को डांस करते थे। आज कहाँ गए वो सारे के सारे नेता? आज नीट में CBI जांच जब केंद्र ने दे दी तो बच क्या गया? NTA पूरी तरीके से फेल है, उसको बर्खास्त कर दिया। हाँ, रीट के समय हुआ ना, पेपर आउट हुआ तो उसका परिणाम निकला, परीक्षा निरस्त की गई, दोबारा बच्चों को मौका दिया गया और एक नहीं दो परीक्षा कराई गई कि एक में कहीं कोई गड़बड़ कर ले तो फाइनल में नहीं आ पाए तो कम से कम योग्य लोगों का चयन हो। आज ये SIT गठित करके ये रायता फैला रहे हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि भाई हम परसेप्शन बनाते रहे, देखो इस सरकार कांग्रेस के समय ठीक नहीं हुआ और इसलिए हमको नौकरियां देनी नहीं पड़े। बच्चों आप कीजिए जांचें, हमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। गलत आदमी है, अपराधी हैं, जो पेपर लीक करते हैं, सरगना है, वो छोटा हो बड़ा हो सबको जेल में डालिए, लेकिन भाई साहब इनको दीजिए तो सही, नौकरियां तो दीजिए इन बच्चों को। आप बता दीजिए साहब 7 महीने में 7 नौकरी इनकी निकाल करके इनकी दीवी बता दो। और आज केंद्र में चाहे नेट हो चाहे वो नीट PG हो, सबके पेपर आउट हो रहे हैं, कोई पेपर नहीं। और लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकसभा पूरी तरीके से बाधित हो रही है फिर भी चर्चा करने को तैयार नहीं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कर लो चर्चा। क्या ये कोई तरीका होता है? इससे बड़ा देश के सामने आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से कल स्टैंड लिया है, हम सब पूरे देश के लोग, युवा और सभी पार्टियों के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग और आम जनता उनके उस कदम के साथ में है कि आप चर्चा क्यों नहीं करा रहे हो, डर क्यों रहे हो? आपने कोई घोटाला किया है, किसी ने भी किया है तो वो सामने आ जाएगा, बच्चों का भविष्य तो ठीक हो। अरे कम से कम डॉक्टर तो ठीक बनाओ, डॉक्टर तो सही व्यक्ति बनना चाहिए जो योग्य हो वो ही, क्योंकि उसको कई हजारों हजारों लोगों के इलाज करना, उसका जीवन उनके हाथ में रहता है तो उसको भी देखना चाहिए। अब इन ये तो लड़ने में ही नहीं फुर्सत मिल रही है इनको,
दिलावर जी और किरोड़ी जी फेंक रहे हैं, वो उस पर ट्रांसफर का ऑर्डर फेंक रहा है, वो उसके ऊपर फेंक रहा है। क्या तमाशा लगा रखा, किस प्रकार की घटिया मानसिकता की भाषा, जो मैं कहता हूं कि ये अपने आप को आरएसएस का सच्चा सिपाही बताते हैं। तो क्या आरएसएस ने मदन दिलावर जी ये सिखाया था आपको कि आप ओछी मानसिकता के साथ में किसी को गाली दो, किसी के माँ बाप का को चैलेंज करो कि तेरा बाप कौन था, हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। आज आदिवासी कितना परेशान, हम सब लोग पूरे प्रदेश और देश के लोग हर उस बयान की, दिलावर जी के बयान की कड़ी निंदा भी करते हैं, और हम राजस्थान की विधानसभा में उनको बता देंगे कि आपकी ये जो सोच है, मैं समझता हूँ कि क्या आरएसएस की यही सोच है, दिलावर जी की सोच, आरएसएस मना क्यों नहीं कर रहा, पर्दे के पीछे तो खूब ट्रांसफर करा रहा है, पर्दे के पीछे खूब घोटाले कर रहा है। तो फिर यहाँ आकर के जब जनता उद्वेलित है, देश के लोग उद्वेलित हैं, और इतना गलत बयान दिया, उसके बावजूद एक बीजेपी का नेता बोला, कोई खंडन किया उन्होंने कि नहीं दिलावर जी ने गलत, इसका मायना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहते हैं कि यहाँ विद्वेष फैले, यहाँ अराजकता फैले, कानून व्यवस्था बिगड़े, और हर कौम को टारगेट करके उसके ऊपर इस प्रकार के ओछे और संकीर्ण मानसिकता के बयान देकर के उनको अपमानित किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी हम राजस्थान की विधानसभा के लिए भी तैयार हैं।